जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवर धारी गोपाल जय जय यशोदा दुलाल जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवर धारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलाल गोपाल 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 जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवर धारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवर धारी हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे बोलो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे बोलो हरे कृष्णा बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा जय राधा माधव राधा माधव राधे जय माधव माधव राधे जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद नित गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री श्री राधा माधव की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय शील प्रपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
भगवान ब्रजेश तनाया तदधाम वृंदावना राम्या काचिदुपाशना ब्रजवधू व्रगेनया कल्पिता व्रगेनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं प्रेमापुमल्थोमा श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरे न परम् वंशी विभूषितकरात् नवनीरदाभा पीतांबरातरुणबिम बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुंदर मुखात अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किम् अपि तत्त्वम् अहम् न जाने करारविंदे नपदारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटशपत्र शपुटे शयानम् बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविंद अरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जिहवे पिवश्व मरुत्मेता देव गोविंद दामो धर्माघवेति नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन छोर लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपदे ओम अज्ञानंदमिरंधस्य ज्ञानांजलशलाकय चक्षुरिनं मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत
स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मेरे पीछे पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री प्रभुपाद की जय हिताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रतिस्थापित श्रीमद् भगवत कथा के इस द्वितीय दिवस में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। परम सौभाग्य से विभूषित हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे परम सौभाग्य से विभूषित बाबा बैद्यनाथ के चरणों में बैठकर हम सब भगवान भोलेनाथ के आराध्य भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रीमद् भागवतम के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। गत सत्र में हमने श्रीमद् भागवत की महिमा का कुछ श्रवण किया, आज भी कुछ हम महिमा का श्रीमद् भागवत के महात्म्य का श्रवण करेंगे और फिर हम भागवत की भागवत जी को खोलेंगे। जब ब्रह्मा जी को पता चला कि महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के मुख से केवल सात दिन की कथा श्रवण करके भगवान के धाम को प्राप्त हो गए, राज्ञो मोक्षम तथा विक्ष पुरा धात विस्मत सत्यलोके तुला बंधवा तोलयत साधन अस। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी के मुख से 7 दिन तक भागवत कथा का श्रवण किया और इतिहास साक्षी है, आप सब भी जानते हैं कि मात्र 7 दिन की भागवत कथा श्रवण करके महाराज परीक्षित वैकुंठ धाम भगवान के धाम को प्राप्त कर लिए। अब ये तो बड़ी आश्चर्यमयी घटना थी,
क्योंकि जहाँ पे जिस भगवान को प्राप्त करने में लोग हजारों हजारों साल की तपस्या करते हैं, जिस भगवान के धाम को जाने के लिए लोग हजारों हवन यज्ञ करते हैं, ऐसे भगवान के धाम को परिचित सिर्फ 7 दिन में भागवत कथा श्रवण करके प्राप्त कर लिए। सब लोग चर्चा करने लगे, बोले ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि सुखदेव गोस्वामी के मुख से सिर्फ 7 दिन की कथा श्रवण करके परीक्षित महाराज भगवान को प्राप्त कर लिए, ये तो असंभव की बात है। और चर्चा चलते चलते ये ब्रह्मा जी के कानों में गई कि ब्रह्मा जी के कानों में एक खबर गई कि सिर्फ 7 दिन की कथा का श्रवण करके महाराज परीक्षित वैकुंठ को प्राप्त हो गए। ब्रह्मा जी बोले ये हो ही नहीं सकता कि कोई 7 दिन में भगवान के धाम को प्राप्त कर ले। 4-4 सिर रखने वाला ये ब्रह्मा का सिर चकरा गया, बोले यह संभव है, नामुमकिन है कि सिर्फ 7 दिनों में भगवान को प्राप्त कर ले, ये कैसे संभव है। ब्रह्मा जी बड़े व्याकुल, ये कोई आश्चर्यमयी घटना नहीं है भक्तों, लेकिन जो भक्ति नहीं करते या फिर जिनकी श्रद्धा नहीं होती उनको ये बात समझ में नहीं आता है कभी। अब देखिए ये 4-4 सर रखने वाले ब्रह्मा जी भी जो हैं सो विस्मित हो गए। जिनके पास 4-4 सर दिया है भगवान ने, फिर भी ये क्या हुए, विस्मित हो गए। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी पूरा घात अति विस्मित, ब्रह्मा जी पूरे विस्मित हो गए, बोले अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। जब ब्रह्मा जी का चकरा गया तो बोले परीक्षा करना होगा, क्या करना होगा, परीक्षा करना होगा। तो सत्य लोके तुला बंधवा, ब्रह्मा जी ने सत्य लोक में एक बहुत बड़ी तुला बंधवाई और उनके एक पलड़े में 7 दिन भागवत सुनने का फल दिया। ब्रह्मा जी ने क्या किया, जो उनका लोक था ब्रह्मलोक, उसमें एक बहुत बड़ा तुला, तुला मतलब क्या बोलते हैं उसको, तराजू, हाँ तराजू बनवाया, और तराजू के 2 पलड़े होते हैं, तो 1 पलड़े में क्या किया उन्होंने, 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का फल उन्होंने रख दिया। उन्होंने सिर्फ 1 पलड़े में 7 दिन भागवत कथा श्रवण करने का फल रख दिया और फिर जीवन भर यज्ञ करने का जो फल था वो रख दिया। जीवन भर अनेक यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ इत्यादि अन्य सारे यज्ञों के करने का फल रखा। जितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, होम हवन सब के फल एक तुले तुला के एक पलड़ा में रख दिया, और एक पलड़ा में क्या रखा, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन भागवत कथा श्रवण करने का। और फिर तुला उठाई गई तो पूरे जीवन भर यज्ञ करने का जो फल था वो हल्का हो गया, और 7 दिन भागवत कथा श्रवण करने का जो फल था वो भारी हो गया। तो अभी ब्रह्मा जी क्या किए, ब्रह्मा जी ने अभी जीवन भर दान करने का फल जो है, जहां पे यज्ञ का फल, जिस पलड़े में यज्ञ का फल था उस यज्ञ के फल को नीचे उतारा और क्या किया, दान के पलड़े को, दान का जो फल है उसे उस पलड़े में डाल दिया। फिर तुला उठाई, भागवत जी उठे ही नहीं, भागवत कथा श्रवण करने का जो फल था वो उठा ही नहीं, और ये तुला आसमान को छूने लगा। ब्रह्मा जी पूरा घात अति विस्मित, बहुत विचलित, बहुत व्याकुल,
बोले ये कैसे हो सकता है। ब्रह्मा जी ने दान के फल को उठा दिया और पूरे जीवन तप ध्यान करने का फल जो है उस तुले पर रख दिया। पूरे जीवन तपस्या करने का जो फल था उस तुले के ऊपर रख दिया। फिर से तुला उठा, लेकिन फिर भी भागवत जी श्रीमद भागवत कथा श्रवण करने का जो फल था वो नहीं उठा। पूरे जीवन तपस्या करने का फल ऊपर और भागवत जी का श्रवण करने का फल जहां था वहां। ब्रह्मा जी ने अनेक प्रयास किए, तप यज्ञ ध्यान ज्ञान सबके फल, योग इत्यादि का फल सब रख दिया, लेकिन ये भागवत कथा श्रवण करने का जो फल था वो क्या हुआ, नहीं उठा, उठा ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि एक पलड़े में सिर्फ भागवत श्रवण करने का फल रख दिया और दूसरे पलड़े में यज्ञ होम हवन ज्ञान तपस्या ध्यान दान पूजा अन्य सारे कर्मों को फल रख दिया। और अब तुला उठाई तो भागवत जी श्रवण करने का जो फल था फिर भी भारी रहा। और उस दिन ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक से फाइनल निर्णय दे दिया, फाइनल डिसीजन दे दिया। क्या? लघुनि अन्यानि जातानि गौरवेन इदं तदारुषि ज्ञान शर्वे विस्मया परमं ययो। ब्रह्मा जी ने अंतिम डिसीजन दे दिया, फाइनल डिसीजन देते हुए कह दिया क्या, लघुनी अन्यानी जातानी, इस संसार में जितने भी साधन हैं, इस संसार में जितने भी साधन करने के फल हैं, भक्ति करने के जो फल है, ये होम अज्ञ हवन दान पुण्य तीर्थ, भागवत के समय क्या है, लघुनी, ये क्या है, लघु है, छोटा है, सब छोटे हैं। भागवत कथा को छोड़कर अन्याय तपस्या यज्ञ ज्ञान ध्यान इत्यादि का फल जो है वह सब छोटे हैं, भागवत का फल सबसे श्रेष्ठ। इसलिए भक्तों ये भागवत कथा को जो है समस्त कार्यों को छोड़कर इसे क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और एक दूसरा उपदेश देते हुए इतिहास सुनाते हुए महात्मा का बताते हैं, वेद व्यास मुनि कहते हैं कि परच्छिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते मुने सुधा कुंभ ग्रहित्वे देवास्त्रत समागमन। परिच्छिते कथा वक्तुम, जब महाराज परीक्षित को श्राप लगा और भागीरथी के तट पर बैठे कर श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत कथा सुनने प्रारंभ किए, जब सुखदेव जी गोस्वामी महाराज भागवत कथा सुनाने जा रहे थे उस समय एक आश्चर्यमय घटना घटी। क्या घटना घटी उस समय, कि सुखदेव गोस्वामी महाराज इससे पहले भागवत कथा श्रवण कराना प्रारंभ करे, इससे पहले सुधा कुंभ गृहित्वेव, स्वर्ग में रहने वाले देवता सुधा कुंभ इस पृथ्वी पर आए। इंद्र आदि समस्त देवता जो स्वर्ग लोक में रहते हैं वहां से कहां पे आए, इस पृथ्वी लोक पर आए। और ये देवता जो है खाली हाथ नहीं आए, सुधा कुंभ
क्या लेके आए हैं? सुधा को। आके समस्त देवताओं ने श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज से निवेदन किया, हे सुखदेव जी गोस्वामी महाराज, आप हमारा निवेदन स्वीकार कीजिए, हम स्वर्ग से अमृत लेकर आए हैं। क्या लेके आए? सुधा कुंभ अमृत लेकर आए, और हम चाहते हैं कि इस अमृत का पान आप परीक्षित को करा दीजिए। यदि आपको पीना है तो आप पीजिए, आपको जो करना है उसे कीजिए, और उसके बदले में आप हमें भागवत कथा अमृत का पान कराइए। दूसरे शब्दों में ये देवतागण श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज से सौदा करने लगे। क्या करने लगे? बिजनेस करने लगे कि ये स्वर्ग का अमृत लीजिए और इसके बदले में हमें क्या दीजिए? भागवत कथा अमृत। इतना सुनते ही तुरंत सुखदेव जी गोस्वामी महाराज क्रोधित हुए और कहते हैं कि आप लोगों की बुद्धि अभी तक नहीं सुधरी, अभी भी आप इतने मूर्ख हो, आप यहां पर भागवत सुनने आए हो या सौदा करने आए हो, और आप ये तुच्छ स्वर्ग की अमृत की तुलना भागवत कथा अमृत से कर रहे हैं? आप इस तुच्छ अमृत से भागवत कथा अमृत को खरीदना चाहते हो? हे देवताओं, आपसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, क्योंकि आपने इस तुच्छ स्वर्ग की अमृत की तुलना भागवत कथा अमृत से कर दिया है। क्वा शुद्धात्व कथा लोके को काचम को मणिमहान ब्रह्म रातो विचारे वा। अरे कहां तुम्हारा ये तुच्छ स्वर्ग का अमृत और कहां भागवत कथा अमृत? ब्रह्म रातो विचारे वह, तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हारे तुच्छ अमृत की तुलना मेरे भागवत कथा अमृत से कर रहे। अरे कहां तुम्हारा ये तुच्छ स्वर्ग का अमृत कांच के टूटे हुए टुकड़े के समान, और कहां मेरा ये भागवत कथा अमृत मुकुट की मोर मणि है? कांच के टूटे हुए टुकड़े की तुलना तुम हीरे के साथ कर रहे हो इंद्र? तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया है? तुमसे बहुत बड़ा अपमान हो गया है, आज तुम भागवत कथा अमृत को पहचान नहीं पाए। भागवत की तुलना तुमने इसे स्वर्ग के तुच्छ अमृत से कर दिया, तुमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। अब आप इस स्थान पर एक घड़ी भी यहां पर खड़े रहे तो मैं आपको श्राप दे दूंगा, क्योंकि आप जिस भागवत कथा अमृत के को सुनना चाहते हैं, आप उस भागवत कथा अमृत को सुनने के पात्र नहीं है, आप में वो योग्यता नहीं है कि आप भागवत कथा अमृत का श्रवण कर सको। तुम इसी सन इसी क्षण इस स्थान को छोड़कर चले जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ये योग्यता नहीं है, तुम इसके योग्य नहीं हो। तो भक्तों, कभी नहीं मरने वाले देवता भी इस पृथ्वी पर आते हैं, क्यों? भागवत कथा अमृत को सुनने के लिए। ये है भागवत की महिमा। परंतु इस प्रसंग से सुखदेव गोस्वामी महाराज ने बहुत सुंदर सिद्धांत स्थापित किया कि संसार में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भागवत कथाकार को चंद पैसे दे देंगे और पैसे लेकर देकर हम क्या करेंगे? भागवत कथा सुनाएंगे। हम जो है क्या करेंगे? भागवत वक्ताओं को कुछ पैसे दे देंगे और ये भागवत वक्ता जो है क्या करेंगे? पैसे लेकर भागवत कथा सुनाएंगे। संसार के लोग प्रायः वक्ताओं को खरीदते हैं और पैसे देकर भागवत सुनते हैं, और संसार के कुछ तथाकथित वक्ता पैसे के लोभ से भागवत कथा का आयोजन भी करते हैं, भागवत कथा श्रवण भी कराते हैं। भक्तों, याद रखिए, इस संसार में पैसे देकर भागवत को खरीदा जा सकता है, लेकिन पैसे देकर भागवत को अपने जीवन में उतारा नहीं जा सकता।
हरि भागवत को अपने जीवन में उतारना है तो पैसे से नहीं, एक शुद्ध वक्ता के मुख से, एक शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण करके, बिना बिजनेस किए हुए श्रद्धा और भक्ति भाव से इस कथा का हमें क्या करना होगा, श्रवण किया जा सकता है। पैसे से भागवत को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, श्रद्धा भक्ति और प्रेम से भागवत को ग्रहण किया जा सकता है, अपने जीवन में उतारा जा सकता है। पैसे देकर हम भागवत को अपने जीवन में उतार नहीं सकते। देवतागण अपने स्वर्ग का धन देना चाहते थे, लेकिन जब स्वर्ण का धन सुखदेव गोस्वामी महाराज के सामने आया तो महाराज क्या हुए, क्रोधित हो उठे कि भागवत की तुलना तुम इस टूटे हुए अमृत कांच के टुकड़े से कर रहे हो। आप सोचिए, जब उस स्वर्ग का अमृत की कोई तुलना नहीं है इस भागवत कथा अमृत से, तो इस 100, 200, 1000, 2000 रुपए की क्या तुलना है भागवत कथा। इसलिए यदि दिमाग में ऐसी भावना हो कि हम किसी वक्ता को पैसे से खरीद कर लाएंगे और उनके मुख से भागवत कथा को श्रवण करेंगे, तो उस श्रोता का भी कल्याण नहीं होगा और उस वक्ता का भी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि भागवत बेचने वाला ग्रंथ नहीं, तो भागवत क्या है, बांटने वाला ग्रंथ है, जीवन में उतारने वाला ग्रंथ है, प्रेम प्रदान करने वाला ग्रंथ है ये भागवत। परंतु देखा जाए तो इसमें बेचारे श्रोताओं यजमानों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि आज के कथा के वक्ता ऐसे हो ही गए हैं कि बिना पैसे लिए मंच पे बैठते ही नहीं। यजमान तो बेचारे अच्छे होते हैं, लेकिन आजकल कलयुग के तथाकथित वक्ताओं की हालत ऐसी हो गई है कि भागवत के नाम पर बिजनेस करते हैं, भागवत का बहुत बड़ा धंधा चलाते हैं और भागवत से, भागवत को पैसे से बेचने के लिए बैठते हैं। तो ऐसे वक्ताओं के पास तो पैसा तो मिल जाता है, लेकिन प्रेम नहीं मिल सकता है, कृष्ण नहीं मिल सकते हैं। और भागवत सुनने वाला आदि पैसे के अहंकार से भागवत को सुने तो सुन तो अवश्य सकता है, परंतु जीवन में उतार नहीं सकता। इसलिए भक्तों, यहां पे जो कथा हो रही है वो शुद्ध कथा हो रही है, क्योंकि हमारी संस्था में तो पहले भागवत को अपने जीवन में उतारा जाता है और फिर दूसरों को बोला जाता है, और यहां जीवन में उतारना नहीं है, खुद तंबाकू खाएंगे, खुद चाय पिएंगे और भागवत बोलने के लिए बैठेंगे। तो इससे क्या होता है, श्रोता का तो उद्धार होगा ही नहीं, जो वक्ता है वो उनकी भी स्थिति पतन की ओर चली जाती। ये तो शुद्ध संस्था है भक्तों, श्रील प्रभुपाद की शुद्ध संस्था, जहां पे हम शुद्ध भक्तों के मुख से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। मैं ऐसा कतई नहीं कहता कि मैं कोई शुद्ध भक्त हूं, लेकिन जो भी मैं यहां बोल रहा हूं, जिस जो भी प्रसंग मैं यहां पे रख रहा हूं, जो भी शब्द मैं आपको बोल रहा हूं, वो मेरे शब्द नहीं है, वो शब्द मैं श्रीमद् भागवत पुराण, हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद और हमारे परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य हिज होलीनेस श्री राधा गोविंद महाराज के शब्द हैं। मैं तो बस आपको वो काला स्पीकर है ना, आप देख रहे हो वो स्पीकर, काला स्पीकर, बस उस काले स्पीकर की तरह मैं आपको बोल रहा हूं और कोई मेरा यहाँ पे रोल नहीं, ये उनके ही शब्द है। और निश्चित वो बहुत ही बड़े संत, बहुत ही सुंदर भक्त और बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, जिनके जो अपने जीवन में भागवत को उतारे और दूसरों को दिए। और जब ऐसे वक्ता अपने जीवन में भागवत को उतारते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, तब निश्चित उनके जीवन में भी भागवत उतरता है, क्योंकि एक शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं। और जब ये शब्द उनके हृदय से निकलता है
तो भगवान जो हृदय में विराजमान है उनके चरण रज को लेते हुए निकलता है। और जब आप उनके मुख से भागवत कथा श्रवण करते हैं तो भगवान का वो कृपा प्रसाद वो चरण रज आपके कान के माध्यम से आपके हृदय में भी जाता है और धीरे धीरे श्रोताओं के हृदय में भी भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो जाते हैं। तो इसलिए हमें भागवत को खरीद कर बेच कर या किसी अभक्त के मुख से सुनकर हमारा कल्याण नहीं हो सकता। वेद व्यास मुनि उदाहरण देते हैं कैसे हमारा उद्धार नहीं हो सकता। जो पैसे लेकर भागवत कथा कर रहे हैं उनका कैसे उद्धार, वो बोलेंगे तो क्यों नहीं उद्धार होगा। बोले ठीक उसी प्रकार से जैसे एक दूध का कटोरा है, आपको पता है कि दूध में बहुत विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, बहुत गुण होता है दूध में, है कि नहीं। दूध में बहुत गुण होता है, लेकिन यदि उस दूध को यदि कोई सर्प स्पर्श कर लिया हो तो उस दूध में अभी वो गुण है। दो कटोरे में दूध है, दोनों कटोरे में वही गाय की दूध है, लेकिन एक कटोरे के दूध को सर्प ने स्पर्श कर लिया है तो क्या इसकी तुलना दूसरे वाले दूध से की जा सकती है। हम पिएंगे तो क्या होगा, पतन हो जाएगा हमारा। वेद व्यास जी उदाहरण देते कि जैसे दूध में बहुत गुण है लेकिन दूध को यदि सर्प स्पर्श कर ले तो पीने योग्य नहीं हो जाता। इसी प्रकार से भागवत में बहुत गुण है जो हमारा उद्धार करा सकता है, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन श्रवण करके इसका उद्धार किया जा सकता है। लेकिन यदि हम किसी शुद्ध भक्त के मुख से सुने तो ही, यदि हम किसी अभक्त के मुख से सुनेंगे तो क्या होगा, हमारा पतन हो जाएगा। बोले क्यों हमारा पतन हो जाएगा, क्योंकि जब तक वो वक्ता भागवत को अपने जीवन में नहीं उतार रहा है तो दूसरे को दूसरे के जीवन में कैसे उतार सकता है। एक संत थे तो एक दिन एक माता जी अपने छोटे पुत्र को लेकर उनके पास गए। बोले महाराज मेरा बेटा बहुत चॉकलेट खाता है, बहुत मीठा खाता है, शक्कर गुड़ बहुत खाता है, आप इसे कुछ समझाओ जिससे ये चॉकलेट खाना बंद कर दे, यदि ज्यादा खाएगा तो इसके दांत सड़ जाएंगे, मुंह खराब हो जाएगा। महाराज ने बोला ठीक है आप एक महीने बाद आना। बोले ठीक है। समय बीता, एक महीना हुआ, वो माता जी पुनः अपने बच्चे को लेकर महाराज के पास आए। बोले महाराज आप इनको, महाराज उनके सर पे हाथ फेरे, वो बोले बेटा ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा खाने से हमारे दांत सड़ जाते हैं, हमें डायबिटीज हो जाती है, इसलिए ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। बोले ठीक है आप जाओ। घर पे गया, उस बच्चे ने बिल्कुल ही चॉकलेट खाना छोड़ दिया, मीठा खाना बंद कर दिया। उनकी माता जी आई, बोले महाराज महाराज यदि आपको आपने कमाल कर दिया, आपने सिर्फ इतना ही बोला कि बेटा मीठा नहीं खाना है, है? चॉकलेट नहीं खाना है, मेरे बेटे ने तो बंद कर दिया। लेकिन महाराज मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है। बोले क्या? बोले सिर्फ यदि आपको इतना ही बोलना था कि बेटा चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए, दांत सड़ जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, तो फिर आपने पहले ही जब मैं प्रथम बार आपके पास आई थी उस समय क्यों नहीं बोल दिया। महाराज बोले उस समय मैं भी मीठा खाता था, मैं भी चॉकलेट खाता था, इसलिए। तो यदि खुद गलत कार्य करेंगे और दूसरे को बोलेंगे कि नहीं करना है तो वो दूसरे के जीवन में नहीं उतरेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ जो एक शुद्ध भक्तों की संस्था है, जहां पे एक आप 5 वर्ष 2-3 साल के एक बच्चे से भी मिलोगे, अब बोलोगे बेटा चाय पियोगे तो बोलेंगे नहीं चाय नहीं पीना चाहिए, चाय में तामसिक गुण होता है, चाय नहीं पीना चाहिए। बेटा लहसुन प्याज खाओगे, बना हुआ चीप से खाओगे, नहीं खाना चाहिए।
क्यों? क्योंकि उनको शुरू से वो ज्ञान है, वो अपने जीवन में उतारे हैं। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से यहाँ पर 7 दिन की भागवत कथा का आयोजन किया गया है। आप सब आइए और भागवत का श्रवण कीजिए। और इसके पीछे निश्चित जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की कृपा है, उनकी बड़ी अनुग्रह है कि आज हम सब यहाँ बैठकर एक मंच के नीचे बैठकर शुद्ध भक्तों की संगति में भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। आइए अब हम भागवत के प्रथम स्कंद की ओर अग्रसर होए। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद, प्रथम अध्याय और प्रथम श्लोक। सभी भक्त अपने दोनों हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके, हृदय में भगवान का ध्यान करके मेरे पीछे पीछे भागवत के प्रथम श्लोक को बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री वेद व्यास मुनि जो भागवत के रचनाकार हैं, जिन्होंने भागवत को लिपिबद्ध किया है, वैसे भगवान के सत्यावेश अवतार वेद व्यास मुनि, जो भगवान के सत्याविश अवतार हैं, ऐसे वेद व्यास मुनि भागवत लिखने से पहले भागवत के प्रारंभ में मंगलाचरण कर रहे हैं। वेद व्यास मुनि ने भागवत लिखने से पहले मंगलाचरण किया। और मंगलाचरण करके हमें बहुत सुंदर उपदेश दिया, बहुत सुंदर सिद्धांत दिया कि जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले हमें मंगलाचरण करनी चाहिए। चाहे शुभ कार्य हो, भागवत कथा हो, चाहे हमारे शुभ दिन की शुरुआत हो, हमें क्या करनी चाहिए? मंगलाचरण करके शुरुआत करनी चाहिए। हमारे बिजनेस की शुरुआत, हमारे काम की शुरुआत, हमें मंगलाचरण करके शुरुआत करनी चाहिए। समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। अपने काम को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? मंगलाचरण करना चाहिए। बोले मंगलाचरण के 3 अंग होते हैं। प्रथम प्रणाम। प्रणाम होता है गुरु को, भगवान को, वैष्णव को, सभी को प्रणाम। दूसरा वस्तु निर्देशन होता है और तीसरा आशीर्वाद होता है। वेद व्यास मुनि प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रथम 3 श्लोकों में मंगलाचरण कर रहे हैं। और भागवत के प्रथम श्लोक में अपने इष्ट देव को प्रणाम कर रहे हैं। ये वही भगवान है जो सभी वेद, सभी शास्त्र और भागवत के प्रतिपाद्य विषय है। वेद व्यास मुनि किसको प्रणाम कर रहे हैं, किसको भगवान कह रहे हैं? यदि मान लो वेद व्यास मुनि से पूछा जाए
कि आप किसे भगवान कह रहे हो, किसकी मंगलाचरण कर रहे हो, किसे प्रणाम कर रहे हो। तो भक्तों वेद व्यास मुनि कहते हैं वासुदेव नंदन श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं। कहते किसको? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मानो वेद व्यास मुनि को पूछा जाए कि आप भगवान कृष्ण को क्यों मानते हो, तो वेद व्यास मुनि कहते हैं कि हे वेद व्यास मुनि, आप जिस कृष्ण को भगवान मानते हैं उनका परिचय दीजिए। आप कृष्ण को भगवान क्यों मानते हो, और यदि आप उनको भगवान मानते हो तो उनका क्या कीजिए, परिचय दीजिए। परिचय देते हुए कृष्ण के स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण के विषय में बताते हैं। इस श्लोक के ऊपर बहुत सुंदर, बहुत बृहद कथा हो सकती है और इसकी व्याख्या हो सकती है। आचार्यों ने इस प्रथम श्लोक के ऊपर भी अनेक टीकाएं लिखी हैं। हमारे पास समय की कमी है, हम कलयुग में बैठे हैं। कहां बैठे हैं? कलयुग। और कलयुग में, कलयुग के लोग कमबख्त हैं। क्या है? कमबख्त। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, कम वक्त है, तो हम हो गए कम वक्त। हमारे पास समय की क्या है, कमी है। दिन भर हमारी व्यस्तता है। माता जी हरे कृष्णा हाथ ऊपर करके बोलिए, नींद आ जाएगी आपको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोना नहीं है कथा में, पार्वती देवी सो गई थी, जीवन से हाथ धोना पड़ा, सोना नहीं। सोना भी बहुत बड़ा अपराध है। सोएंगे तो बहुत तकलीफ है, कथा में नहीं सोना चाहिए। आपको भी तकलीफ है, मुझे भी तकलीफ। एक बार एक ऐसा ही वक्ता भगवान के धाम को गया, द्वारपालों ने रोक दिया, बोले रुको तुम्हें भी वेटिंग में रहो, और कुछ कुछ लोगों को अंदर लेके जाने। एक ड्राइवर आया बस का, वो ड्राइवर को अंदर लेके जाने लगा। बोले अरे ये तो ड्राइवर है, मैं इतना बड़ा साधु हूँ शुरू से, मेरे को लेके जाना चाहिए, मेरे को क्यों नहीं लेके जा रहे हो पहले। बोले रुको अभी आप भी जाओगे। बोले लेट क्यों, और ये ड्राइवर आगे कैसे जा रहा है? बोले महाराज जब ये गाड़ी चलाता था और जब वो आती थी, क्या बोलते उसको, ब्रेकर आती थी तो जब ये गाड़ी को उछालता था तो सब लोग जय श्री राम बोलते थे, हरे कृष्णा बोलते थे, और महाराज आपकी कथाओं में सो जाते थे लोग, तो इसलिए आपको थोड़ा सा लेट से, इसलिए सोना नहीं। तो इस प्रथम श्लोक के ऊपर अनेक टीकाएं हो सकती है, अनेकों दिन इसके ऊपर प्रवचन किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। यथा समय यथा मति यथा गति यथा बुद्धि, हम आपके बीच इसकी व्याख्या करेंगे। इस प्रथम श्लोक में वेद व्यास मुनि भागवत भगवान श्री कृष्ण का परिचय देते हैं और कहते हैं कृष्ण कहते कैसे हैं। जन्माधस्य तो जन्माधशतुन्नादितरत चरथे सुबे क्यसरा तेने ब्रह्म हृदय कादि कवये मुयंतियत सूर्य तेजो वारी मृदं यथा विनिमयो यत्र तिर्षगौ मृषा धाम्ना श्वेन सदा निरस्कुहकं सत्यं परं धीमहि।
धीमहि सत्यं परम धीमहि। श्री वेद व्यास मुनि कहते हैं भगवान कैसे हैं, कहते जन्माधश्य। कृष्ण वो हैं जिन्होंने इस संसार को क्या किया है, जन्म दिया है। ऐसा नहीं कि ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को जिन्होंने जन्म दिया है, सिर्फ एक ये पृथ्वी नहीं, ऐसे करोड़ों करोड़ों पृथ्वी को जिन्होंने जन्म दिया वो क्या है, भगवान है। और वो भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण सत्यम परम धीमहि। वो सत्य कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण। और प्रकट करने के बाद क्या करते, संसार का पालन करते हैं। और समय आने पर क्या करते हैं, प्रलय करते हैं, कृष्ण का परिचय देते हैं। ध्रुव महाराज भागवत में स्तुति करते हुए कहते हैं कल्पान ते ते दखिलम जठरेन गृहणन। हे प्रभो, कल्प के अंत में जब आपकी इच्छा होती हो, जब आपकी इच्छा होती है तो आप इस पूरे कल्प को, पूरे इस ब्रह्मांड को, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को क्या करते हो, अपने जठर में। जठर किसको बोलते, पेट, अपने पेट में धारण कर लेते हो। ध्रुव महाराज कहते हैं कि कल्प के अंत में आप क्या करते हो, पूरे कल्प को अपने जठर में धारण कर लेते हो। एक बार भीमदेव जो अर्जुन के भाई है, ऐसे भीम एक बार द्वारिका पहुंचे और द्वारपाल को सूचित किया कि जाओ कृष्ण को बोलो भीम आया है, मैं आया हूं। ठीक है, मैं जाता हूं सूचित करो। द्वारपाल गए तो ये पीछे से सोचे कि अरे मैं तो कृष्ण का मित्र हूं, मुझे आदेश की क्या जरूरत, मैं तो मिल सकता हूं उसे, कभी भी मिल सकता हूं किसी भी अवस्था में। तो ये भी पीछे पीछे हो लिए। द्वारपाल कुछ दूर गए ही थे कि ये भी पीछे पीछे उनके क्या हुए, चल दिए। और जब द्वारपाल कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण भोजन कर रहे थे, ठीक है, भोग ग्रहण कर रहे थे। द्वारपालों ने सूचना दी कि भगवान द्वारका से भीम भैया आए। बोले अच्छा वो पिट्टू आया है, उसे बाहर ही रोको, अभी आ जाएगा तो पूरा मेरा भोजन खा जाएगा, मुझे मेरी पीठ खाली खाली रह जाएगी, भरेगी नहीं। जब ये बात कृष्ण बोल रहे थे तो भीमदेव जी वहां प्रकट पधार गए। सुन लिए इस बात को कि मेरे बारे में बोल दिए। बोले कृष्ण तुमने क्या कहा मुझे पेटू, हाँ मैं पेटू हूं, अरे मुझसे भी बड़ा पेटू तो तुम हो, है? मैं क्या खाता हूं, 5 किलो 10 किलो 20 किलो लड्डू ही खाता हूं ना, और तुम पूरे ब्रह्मांड को खा जाते हो, तुमसे बड़ा पेटू कौन है बताओ मुझे, है? तो भगवान क्या करते हैं, कल्प के अंत में पूरे विश्व को अपने जठर में धारण। और भगवान ही जो है, भगवान श्री कृष्ण ही जो है, उनके इशारे पर ही ब्रह्मा जी सृष्टि का पालन करते हैं, भगवान श्री विष्णु इस सृष्टि का निर्माण करते हैं और भोलेनाथ उसका प्रलय करते हैं। भक्तों, ये अंग्रेज जब आए तो इन्होंने भगवान को एक नाम दिया, क्या, गॉड। गॉड माने क्या, भगवान, बिल्कुल परफेक्ट नाम दिया है, बिल्कुल परफेक्ट। गॉड का आप स्पेल करें तो क्या होता है, GOD। अभी इसको आप तोड़िए तो क्या होता है, जी से जनरेटर, मतलब जो उत्पन्न करता है, ओ से ऑपरेटर, जो पालन करता है, डी से
डिस्ट्रॉयर जो संहार करता है। और ये गॉड कौन है? मात्र और मात्र कृष्ण है। मन में ये प्रश्न हो सकता है कि इस संसार का सृजन तो ब्रह्मा करते हैं, संसार का पालन तो विष्णु करते हैं, और संसार का प्रलय तो शिव जी करते हैं। लेकिन तत्व की बात यह है कि भले सृजन करे ब्रह्मा, विष्णु पालन करे, लेकिन शिव प्रलय करे, परंतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर सृजन पालन और प्रलय करते हैं। आचार्य हुए ठाकुर भक्ति विनोद अपने भजन में लिख दिया क्या, तुम्हें सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमारा, तुम्हें सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमारा। तुम्हें सर्वेश्वरा ब्रजेंद्र कुमारा, तुम्हें सर्वेश्वरेश्वरा, तुम्हें सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमारा, तुम्हें तुम्हारी चमाते विश्वे, तुम्हारी चमाते विश्वे सृजन सनारा, तुम्हें सर्वेश्वर ठाकुर भक्ति विनोद भारत के परम संत हैं, जिसे भक्ति भागीरथ कहा गया। जैसे भागीरथ जी गंगा को इस पृथ्वी पर लेकर आए, वैसे ठाकुर भक्ति विनोद सदियों से चलती हुई भक्ति रस धारा को इस पृथ्वी पर पुनः स्थापित कर दी, इसलिए ये भक्ति भागीरथ कहा गया। वैसे भक्ति भागीरथ ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, कृष्ण तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ईश्वर, इस संसार में सभी ईश्वरों के ईश्वर एकमात्र कृष्ण आप हो। ईश्वर तो बहुत सारे दुनिया में हैं, बहुत सारे कंट्रोलर हैं इस दुनिया में, पवन देवता वायु के कंट्रोलर हैं, वरुण देवता समुद्र के कंट्रोलर हैं, इंद्र देवता वर्षा के कंट्रोलर हैं, इस संसार में बहुत सारे देवता हैं, लेकिन इन सभी देवताओं के ईश्वर यदि कोई है तो हे कृष्ण एक आप हो। तुम्हारे इच्छा से ही इस संसार का सृजन और आपकी इच्छा से ही इस संसार का पालन होता है, आपकी इच्छा से ही इस संसार में प्रलय होता है। तब यदि हमारे मन में प्रश्न हो, संसार का सृजन तो ब्रह्मा करते हैं, तब ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, तब ही चमाते ब्रह्मा करे ना सृजाना, तब तवाई चमाते ब्रह्मा करे ना सृजाना, चमाते विष्णु करे ना पलाना, तब चमाते विष्णु तुम्हें सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमारा, तुम्हें सर्वेश्वर
दे। हे कृष्ण, आपकी इच्छा से ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि का सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। और आपकी इच्छा से ही कृष्ण, आपके कहने से ही विष्णु सृष्टि का क्या करते हैं? पालन करते हैं। भक्तों, इस संसार का सृजन करने वाला कृष्ण, इस संसार का पालन करने वाला कृष्ण, इस संसार का प्रलय करने वाला कृष्ण, इसलिए संसार में ईश्वरों के ईश्वर, सर्वेश्वर, साक्षात भगवान यदि कोई है तो वो है कृष्ण। तुम्हारी क्षमाते प्रभु, तुम्हारी क्षमाते शिवा करे ना पंगारा, तुम्हारी चमाते शिवा करे ना संगारा। तुम्हें सर्वे सरे स्वरा गजेंद्र के माना, सर्वेश्वर साक्षात भगवान यदि कोई कोई है तो वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और शिल प्रपाद की कृपा से, परम सौभाग्य से, आज इस भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात श्रीमद् भागवत पुराण, जो भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय विग्रह है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण आज हमारे इस क्षेत्र में पधारे। उस वृष आइए कुछ देर के लिए उस कृष्ण का नाम लाते हैं, जो नाम हमें वैकुंठ की प्राप्ति कर दिले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा तो जो भगवान ईश्वरों के भी ईश्वर है वो कौन है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण। तो भक्तों, वेद व्यास मुनि भगवान का परिचय, भगवान का परिचय प्रथम श्लोक में दिए, भगवान को प्रणाम किए, और भागवत के दूसरे श्लोक में भागवत के विषय वस्तु का निर्देशन करते हैं।
कहते हैं कि ये जो भगवान जो है, इस भगवान में क्षमा कीजिए, ये भागवत जो है, इस भागवत में समस्त पूरे संसार का श्रेष्ठ धर्म का वर्णन किया गया है। वेद व्यास जी लिखते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का कपट मैंने नहीं किया, सभी प्रकार के कपट से मुक्त है ये भागवत, सभी प्रकार के कपटों से मुक्त है ये भागवत। भागवत में अलौकिक धर्म का वर्णन किया गया, आत्म धर्म का वर्णन किया गया। इससे पहले उन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे सब में लौकिक धर्म का वर्णन किया, जो ग्रंथ लिखे उसमें उसी को भगवान कह दिया। जो भी ग्रंथ भगवान वेदव्यास जी ने लिखा उसमें क्या कर दिया, जिनकी ग्रंथ जिनका नाम उसी को भगवान कर दिया। लेकिन वेदव्यास जी स्वीकारते हैं कि मैंने इन सारे ग्रंथों में क्या किया, कपट किया, लेकिन श्रीमद् भागवत में मैंने क्या किया, निष्कपट भाव से, लौकिक नहीं अलौकिक ज्ञान का वर्णन कर दिया। ये 17 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत जैसे इतिहास वेदव्यास में लिख दिए। और जब ये पुराण लिख रहे थे, दुर्गा पुराण लिखने लगे, कहते हैं कि दुर्गा देवी भगवान है। गणेश पुराण लिखने लगे तो कहते हैं गणेश जी भगवान है। जिनके विषय में लिखा उन्हीं को भगवान बना दिया। जब 17 पुराण वेदव्यास मुनि ने लिख लिया तो वो व्याकुल हो गए। 17 पुराण 108 उपनिषद लिखने के बाद वो क्या हुए, व्याकुल हो गए, बेचैन हो उठे। भगवान की कृपा हुई, जब हम बेचैन होते हैं तो हमारे गुरु के पास समय जाना चाहिए। उसी क्षण वेदव्यास मुनि के गुरु नारद मुनि वापस आए, बोले क्या हुआ वेदव्यास, मैं तुम्हें बहुत व्याकुल देख। वेदव्यास जी ने बोला कि महाराज देखिए, मैं कलियुग के जीवों के उद्धार के लिए कितने सारे ग्रंथ लिखा, वेद लिखा, पुराण लिखा, उपनिषद लिखा, इतिहास लिखा, रामायण महाभारत जैसे इतिहास लिख दिए, लेकिन पता नहीं क्या है कि मेरा मन शांत नहीं, विचलित है महाराज, मैं बहुत व्याकुल हूं, विचलित। नारद मुनि ने पथ प्रदर्शित किया और कहा कि व्यास देव जी, आप तो कलियों के जीवों का उद्धार करने के लिए पुराण लिख रहे थे, लेकिन याद रखिए कलयुग में जो है लोगों की स्मृति बड़ी छोटी होगी, उम्र जो है बड़े कम होंगे, स्मृति कम होगी, उम्र कम होंगे, समय कम होंगे, और वो ये सारी चीज पढ़ नहीं पाएंगे। और उस समय क्या होगा, जो दुर्गा पुराण पढ़ेगा वो बोलेगा दुर्गा देवी भगवान, गणेश पुराण पढ़ने वाला बोलेगा गणेश जी भगवान, इंद्र के विषय में पढ़ने बोले बोलेगा इंद्र भगवान। और महाराज जब ये पढ़ने वाले लोग एक स्थान पे जमा होंगे तो लड़ेंगे, झगड़ा के सिवा कुछ नहीं करेंगे। महाराज वही झगड़ा का जो फल है ना, जो पाप का फल है, वो आपके माथे चढ़ा है, इसलिए आप व्याकुल हो। बहुत उन्होंने डांटा, भागवत में आया है कि उन्होंने क्या किया, उन्हें डांटा, बहुत डांटा वेदव्यास जी को नारद मुनि ने, बोले तुमने क्या किया मालूम है, तुमने उनके उद्धार की सोच के लिखा है, लेकिन इससे क्या होगा, उनका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि इसमें लौकिक धर्म का वर्णन है। तुमने ऐसा कर दिया, जिस शादी जिस दूल्हे का उसी का गीत, लड़का कितना भी काला हो, कोयले जैसा काला है, दांत बड़े बड़े हैं, एक बार सवेरे कोई कोई देख ले तो दिन बिगड़ जाए, लेकिन उसकी शादी है तो मेरा दूल्हा ऐसा है, मेरा दूल्हा सोने जैसा है, चांदी जैसा है, हीरे जैसा है, दूल्हा को सवेरे देख ले तो दिन भर खाना नहीं मिले,
लेकिन ऐसा है वैसा है, क्यों? क्योंकि आज उसकी क्या है? शादी है। कल फिर कोई पूछने वाला नहीं। तो वेद व्यास जी आपने वही किया जिसकी जो दूल्हा उसकी गीत लिख दिया आपने। और वो जो पाप का फल है, जो वो लड़ाई का जो फल है, वो आपके माथे चढ़ा है। इसलिए आप क्या हो? भ्रमित हो, व्याकुल हो। तब नारद मुनि निर्देशन करते हैं, कहते हैं महाराज अब आपने जो किया चलो ठीक है, लेकिन अब आप अपने जीवन का अंतिम लिख दो। क्या लिख दो महाराज? तो कहते हैं अपने जीवन का अंतिम निर्णय श्रीमद् भागवत पुराण लिख दो। जो अभी तक लिखना था आपको वो नहीं लिखा, अब वो चीज लिख दो। और अंत में वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना कर दी और फिर कुछ नहीं लिखा, संतुष्ट हो गए। क्योंकि जब हमें कोई चीज की जरूरत होती है, जब हमें वो मिल जाती है, तो हम क्या हो जाते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं। जब उस वस्तु को पाने का जो तलब है वो मिट जाता है, तो हम क्या होते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं। तो महाराज जब वेद व्यास महाराज ने ये लिखा तो संतुष्ट हो गए, क्योंकि ये उनके जीवन का अंतिम ग्रंथ है। क्योंकि ये इतना दिव्य है, इतना पूर्ण है कि इसे पढ़ने सुनने के बाद, लिखने के बाद अन्य किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ जाती। इसलिए भागवत सुनने वाला व्यक्ति कपट से मुक्त हो जाता है। निर्मात श्राणाम सतम, भागवत सुनने वाला व्यक्ति मत्सर से मुक्त हो जाता है, 100% शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति बन जाता है। और ये भागवत ही जी हो जो है वही इस दुनिया में एक जानने वाला विषय है जिसे हम सच में जान सकते हैं। और नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? यदि हम इसे नहीं जानेंगे तो क्या होगा? आज जो हो रहा है दुनिया में, पाखंडी लोग क्या बन के बैठे हैं? भगवान सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। यदि हम भागवत को नहीं जानेंगे, भगवान कौन है नहीं पहचानेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? ये बाबा भगवान, फलाना बापू भगवान, फलाना भैया जी भगवान। लेकिन यदि हम भागवत को जानेंगे तो जानेंगे कि भगवान कौन है। अभी तो बस हमने थोड़ा सा भागवत का एक श्लोक में ही जान गए कि हम भगवान कौन है। तो सोचिए समस्त भागवत जानने के बाद समस्त ज्ञान विज्ञान सबका खान है ये भागवत महापुराण। और भागवत सुनने वाला का जीवन क्या होता है? जीवन शिवदम, जीवन मंगलमय हो जाता है और भगवान उसे मंगल प्रदान करते हैं। कहते हैं और कुछ पढ़ने की क्या जरूरत? श्रीमद् भागवत महामुनि कृते किंग वा परिषद। वेद व्यास मुनि लिखते हैं कि जब भागवत मैंने लिख दी है तो अन्य पुराणों को पढ़ने से क्या लाभ? अन्य पुराण पढ़ने से क्या होगा? मति भ्रमित हो जाएगी। लेकिन यदि भागवत पढ़ोगे तो सारांश मिलेगा, सारा संशय जो है, सारा मद माश्चर्य जो है क्या होगा? मिट जाएगा। इसलिए भागवत पढ़ना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए। कहते जब मैंने भागवत लिख दी है तो अन्य पुराणों को क्यों पढ़ोगे? अन्य पुराण पढ़ने से क्या लाभ? जब मैंने अपने जीवन का अंतिम निर्णय ले दिया तो फिर क्या? एक कोर्ट में एक केस चलता है, बहुत लंबे समय तक चल रहा है, और जो उस कोर्ट का अंतिम निर्णय होता है वो क्या होता है? फाइनल डिसीजन, वो एक्सेप्ट करना होता है। और जो एक्सेप्ट नहीं करते वो क्या होते? पुलिस पकड़ के ले जाते हैं। तो यदि हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे
तो हमें भी पुलिस लेके जाएगी। कौन सी पुलिस लेके जाएगी भाई? वो यमराज वाले जो पुलिस हैं वो लेके जाएंगे। और यदि हम इसे अपने जीवन में धारण करेंगे तो कौन लेके जाएगा भाई? भगवान के दूत लेके जाएंगे। जैसे कल धुंधुकारी को लेके गए, गोकर्ण महाराज को लेके गए। यदि हम भागवत को श्रवण करेंगे, भागवत को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से दूसरा श्लोक। तीसरे श्लोक में कहते हैं, निगम कल्प कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भूई भाग। निगम कल्पतरु गलितम फलम। आप कहेंगे संस्कृत में क्यों बोल रहा हूं बीच बीच में? कुछ लोगों को तो संस्कृत समझ में आ रही है, लेकिन आज मोस्टली हमें संस्कृत समझ में नहीं आती। लेकिन भक्तों याद रखिए, मैं संस्कृत जो बोल रहा हूं प्रमाण देने के लिए बोल रहा हूं। मैं खुद से कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं पहले ही आपको बोला ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है श्रीमद् भागवत पुराण से लिया हुआ, हमारे गुरु महाराज का बोला हुआ वाक्य मैं आपको सुना रहा हूं। याद रखिए, इस मंच से जो भी निकलेगा वो क्या निकलेगा? प्रमाणिक निकलेगा। जो प्रमाणित है वही निकलेगा, इधर उधर की बातें जिसका प्रमाण है बस वही। इसलिए मैं प्रमाण देने के लिए कि इस बात का कहां व्याख्या है आप पूछ सकते, मैं बता सकता हूं आपको कहां से व्याख्या है। तो निगम कल्प तरु गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव शनियुतम पिबत भागवतम राशमालयम मुहुर्हु रसिका भूमि भावुका। ये भागवत जो है कोई साधारण ग्रंथ नहीं है भक्तों, याद रखिए। समस्त आगम निगम समस्त वेद शास्त्र पुराण उपनिषदों का पका हुआ फल है ये भागवत। निगम कल्प तरु गलितम फलम। ये क्या है? ये जो भागवत है क्या है? समस्त वेद पुराण उपनिषदों का पका हुआ फल है ये, ठीक है। और फलों में भी क्या, अभी जैसे फल बहुत सारे हैं तो उसमें फलों का राजा कौन है? आम। तो ये क्या है? आम है। तो अभी कहेंगे फल है तो ऊपर से गिरता है, तो कभी गिरता है तो मिट्टी लग जाता है, मिट्टी वाला फल हो जाता है। तो क्या भागवत में भी मिट्टी लगी हुई? बोले अरे नहीं नहीं, ये ऊपर से आया तो है परंतु डायरेक्ट नहीं आया, गिरा नहीं। कैसे हुआ मरस? बिल्कुल परंपरा से आया, प्रमाणित तो होके आया। ये भागवत रूपी से फल है। भगवान नारायण ने बोले क्या परंपरा है इसकी मरस? भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को दिया। बिल्कुल परंपरा से आया है, इसमें कोई चीज अलग करने के लिए नहीं, मिट्टी नहीं लगा है, इसलिए गिरा हुआ नहीं है ये, बिल्कुल शुद्ध प्योर है एकदम। बोले जो फल होते महाराज, जैसे आम फलों का राजा है तो आम में छिलका होता है, गुठली होता है, और वो क्या, यदि हमें आम खाना होता तो क्या करते हैं, वो छिलके को और गुठली को क्या है, निकालना होता है। तो यदि भागवत फल है तो क्या इसमें भी कुछ ऐसा है जिसे हमें निकाल देना चाहिए, कोई गुठली कोई छिलका? बोले नहीं नहीं, भागवत समस्त वेद उपनिषदों का फल नहीं, उस फल का बना बनाया हुआ क्या है, जूस है, रस है, रस है ये भागवत। इसलिए खाते नहीं है, आम को क्या करते हैं, खाते हैं, लेकिन जूस को क्या करते हैं, पीते हैं। तो हमें श्रीमद् भागवत कथा का क्या करते हैं, पान करते हैं, ठीक है। बोले फल हो तो उसे खाने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, कष्ट हो सकती है, लेकिन यदि कोई बना बना के जूस दे दे तो गट 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 करके पी जाएंगे, बड़ा आराम है, स्वाद भी वही।
ये भागवत जो है पीने वाली चीज है, इसे हमें पीना चाहिए। श्रीमद् भागवतम अमृत द्रव संयुतम, अमृत जैसा ये क्या है, द्रव्य रस है, इसको पीना ही चाहिए। अपने जीवन में साधना के द्वारा, भजन भक्ति के द्वारा पीना चाहिए। श्री प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, भक्तराज प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इस भागवत को पीने का क्या उपाय है। बोले उपाय ही अशंक है, भगवान को प्राप्त करने की क्या उपाय है, उपाय ही अशंक है। भगवान की प्राप्ति के लिए अनेक उपाय हैं, बहुत सारे उपाय हैं, परंतु अन्य उपाय भोजन के समान है। श्रीमद् भागवत कथा ये रस के समान है। क्या बोलते हैं, अन्य उपाय जो है भगवान का वो क्या है, भोजन के समान, चबाना पड़ेगा, छाटना पड़ेगा, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण क्या है, रस के समान है। क्या कर रहे हैं, पीना है। कहते चबाने में भी कष्ट है, अरे भोजन है, भोजन करने में भी आनंद है, लेकिन उसे क्या करना पड़ता है, चबाना पड़ता है। गुरु महाराज एक कहते हैं कि एक व्यक्ति था, शाम को काम करके घर पे आया, पत्नी सुंदर सौम्य स्वभाव की पत्नी थी, बड़ा सुंदर भोजन रोटी सब्जी बना के रखा। अब बना के रखने के बाद जब पतिदेव आए तो भोजन की थाली रेडी कर दी, आगे दिया, पतिदेव बैठे हुए हैं, ये पत्नी क्या कर रही है, एक हाथ से पति को भोजन करा रही है और दूसरे हाथ से पंखा चल रही है। थोड़ी देर बाद देखती है पत्नी की पति को पसीना आ रहा है। बोले पतिदेव एक बात पूछूं, बोले पूछो। बोले भोजन 2 घंटे खटके मैंने बनाया, परोसा मैंने, अपने हाथ से खिला रही हूं मैं, पंखा भी झेल रही हूं मैं, फिर ये आपके माथे पे पसीना कैसे। तो बोलते चबा कौन रहा है, तेरा बाप है? पता है चबाने में कितना कष्ट होता है। तो ये भागवत क्या है, चबाने की जरूरत नहीं, क्या करना है, इसे हमें पी जाना है। बोले भगवान को प्राप्त करने के असंख्य उपाय है, उपाय ही असंख्य है, यज्ञ है, होम है, हवन है, लेकिन हम वो कर सकते हैं नहीं। यज्ञ करने में कितना कष्ट है, एक साधारण सा वास्तु यज्ञ कराते हैं हम घर पे, पंडित जी सामान लिख के दे दिए, पंडित जी कुछ इसमें कम नहीं किया जा सकता, कुछ कम करने का, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कहते हैं क्या बोल रहा था मैं हाँ, यज्ञ करने में कितना कष्ट है। एक घर में वास्तु यज्ञ कराना है, पंडित जी क्या करते हैं, यज्ञ कराने वाले ओ यज्ञ की सामग्री लिखा दे। जजमान पंडित जी को फोन करता है, महाराज कुछ कम नहीं हो सकता इसमें, 100 रुपए दक्षिणा ज्यादा ले लेना, ये गाय की जो 2 किलो घी लगाए आधे किलो में नहीं हो सकता महाराज, 200 रुपए ले लेना। आज ये सिचुएशन हो गया हमारा, यज्ञ कहां से करेंगे हम, भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, दिन रात जग के। महाराज 7 बजे आरती होती है, मंगला आरती में 4 लोग आए 50 लोगों में से, अब बताओ हम तपस्या कर सकते हैं बैठ के। जब हम सवेरे 5 बजे उठ के स्नान करके रेडी होके भगवान के सामने नहीं हो आ सकते, मंगला आरती नहीं कर सकते, तो हम तपस्या करेंगे कहां से, समझो। लेकिन भागवत कथा में कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ सरल और उत्तम उपाय है क्या, भागवत कथा का श्रवण करना।
अब बताइए मैं बोल रहा हूं, आप बैठ के आराम से सुन रहे हैं, कोई कष्ट है? कोई कष्ट हो रहा है आपको? बैठे हैं तो आराम से, सब कुछ परफेक्ट है, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कितना आराम से चल रहा है, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है। आराम से सब बैठ के बिना कोई तकलीफ के इसे हम सुन सकते हैं। सबके मुख पे प्रसन्नता है और हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। बोले कोई इतिहास है? बोले हाँ महाराज परिचित, इस भूमि के चक्रवर्ती सम्राट थे राजा। परिचित को श्राप लगा एक ऋषि के पुत्र का, श्राप डसने का। महाराज परिचित अनेक साधन याद आए, परंतु सभी साधनों को छोड़कर महाराज परिचित ने क्या निर्णय लिया? श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का निर्णय लिया। और भक्तों 7 दिन और 7 रात तक सुखदेव गोस्वामी महाराज के मुख से भागवत कथा श्रवण करने से, इससे पहले कि तक्षक नाग आए और परिचित महाराज को काटे, इससे पहले तो भगवान का विमान आया, परिचित महाराज को लिया, महाराज और चले गए। तो बोले अच्छा ये परिचित महाराज जो हैं, ये तो भागवत को सिर्फ 7 दिन तक श्रवण किए थे, तो ऐसा कुछ नियम है महाराज कि 7 दिन तक ही श्रवण करें, या फिर कितना श्रवण करना चाहिए भागवत कथा को? तो कहते हैं कि जब तक जीवन है तब तक श्रवण करते रहना चाहिए। परिचित महाराज 7 दिन तक लगातार बिना कुछ खाए पिए कथा का श्रवण कर रहे हैं, हम ऐसा कर सकते हैं? बोले 7 दिन तक ही भागवत कथा श्रवण हो रही। अभी भागवत कथा होती है तो हम लोग निमंत्रण देने जाते हैं कि हमारे इधर भागवत कथा हो रही है आप आइए, तो लोग कहते हैं कि हमने तो सुन रखी है भागवत कथा, तो तुमने तो कल खाया था, आज खाने भी छोड़ दो है? तो कहते भागवत कथा को कब तक श्रवण करना चाहिए? बोले जब तक जीवन है तब तक भागवत कथा का श्रवण हमें करना चाहिए। जब तक हम भगवान को प्राप्त ना हो जाए तब तक हमें भागवत कथा का श्रवण करते रहना चाहिए, निरंतर करते रहना चाहिए, गाकर सुनकर बैठकर चलते हुए जब भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। तो भक्तों इस प्रकार से 3rd श्लोक में मंगलाचरण करते हुए वेद व्यास मुनि भागवत कथा श्रवण करने के विषय में बनाते हैं, और 3rd श्लोक में सबको कथा श्रवण करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि आइए जूस मिल रहा है जूस पी लीजिए, ठीक है? तो आइए हम लोग भी अब भागवत कथा को यहां से प्रारंभ करें। वेद व्यास भगवान की ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की निमिषे निमिषे त्रे ऋषय शौनकादय शत्रुं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशम मम माश भक्तो। वेदव्यास मुनि श्रोताओं को उस स्थान पर लेकर जा रहे हैं, श्रोताओं के मन को उस स्थान पर लेकर जा रहे हैं जहां पर जहां से भागवत कथा प्रारंभ हुई। कहते एक बार की बात, वंस अपॉन अ टाइम, सारी बातें यहीं से शुरू होती है कहीं, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात।
एक समय की बात और हमेशा कल से थोड़ा ये कुर्सी उर्सी का व्यवस्था पहले से साइड हरे कृष्णा हरे राम राम राम। तो वेद व्यास महाराज सबको उस स्थान सबके मन को उस स्थान पर लेके जाते हैं जहां पे ये भागवत कथा प्रारंभ। स्थान का बड़ा महत्व है। ये भागवत कहां से प्रारंभ हुआ? निमिषे निमिषे क्षेत्रे। रामायण कहां से प्रारंभ? हरिद्वार भरद्वाज ऋषि के आश्रम से। जहां हरिद्वार भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, प्रयाग से रामायण का प्रारंभ। गीता कुरुक्षेत्र। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत कहां से प्रारंभ होता है? नैमिषारण्य से। आगे कहते हैं एकदा तु मुनिया प्रात हुर्त हुर्त गान्यः सत्कृतं श्रुतमाशीनं पप्रचुरीदमादरा। कहते हैं एक समय की बात। किस समय की बात है? जब द्वापर युग समाप्त हो रहा था और कलयुग प्रारंभ हो रहा था। कलयुग को आते देख 88,000 ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और निवेदन करने लगे कि महाराज हम यज्ञ करना चाहते हैं, समाज में शांति लाना चाहते हैं, यज्ञ करने के लिए अच्छे स्थान का निर्देशन कीजिए। ऐसे स्थान का निर्देशन कीजिए जहां पर कलयुग का प्रभाव ना हो। ब्रह्मा जी ने उस समय मनोमय चक्र बनाया। स्वर्ग लोक से ये चक्र, ब्रह्म लोक से ये चक्र को छोड़ा गया और लखनऊ से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर ये चक्र आकर गिरा। और जब ये चक्र आकर गिरा तो उसकी नेमी जो थी छिन्न हो गई। चक्र की नेमी उस स्थान पर छिन्न हो गई, इसलिए इसका नाम हुआ नैमिषारण्य। अथवा कहा जाता है कि उस स्थान पे नैमिष नामक बहुत वृक्ष है और सारे ऋषि मुनि यज्ञ करने गए। पर जब ये यज्ञ करने के लिए बैठ रहे थे, इन ऋषियों के प्रधान ऋषि थे शौनक ऋषि। तो जब ये यज्ञ करने के लिए बैठ रहे थे, 88,000 ऋषि मुनि थे, तो उनमें से कुछ को जिज्ञासा हुआ कि हम 88,000 साल तक हम 88,000 ऋषि मुनि यज्ञ करने के लिए बैठ रहे हैं, हमारा भोजन की व्यवस्था कौन करेगा, कपड़े की व्यवस्था कौन करेगा? तब शौनक ऋषि ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, आप चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है विश्वाम्भर, जो पूरे जगत का भरण पोषण करते हैं। जो उनके भक्त हैं उनका भी और जो उनके भक्त नहीं है उनका भी भरण पोषण। और ये काम तो हम उनके लिए ही कर रहे हैं, तो क्या हमारा भरण पोषण नहीं हो? समस्त ऋषि मुनियों को शौनक आदि ऋषि शौनक ऋषि ने समझाया। बहुत सुंदर वेदी बनी, यज्ञ की हवन कुंड सजाई गई, आहुति प्रारंभ की। आहुति कुछ देर चला ही था कि एकाएक पता चला कि रोमहर्षण ऋषि के पुत्र उग्र शर्वा सुत सुखदेव जी से भागवत सुनकर नैमिषारण्य आ रहे हैं।
क्या पता चला? सुत गोस्वामी महाराज जो सुखदेव जी गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं, ऐसे सुत गोस्वामी महाराज कहां आ रहे हैं? नैमिषारण्य में आ रहे हैं। जब उन्हें यह पता चला कि सुत गोस्वामी नैमिषारण्य आ रहे हैं, तुरंत उन्होंने क्या किया? यज्ञ के हवन कुंड में मिट्टी डालकर यज्ञ को बंद करा दिया। ऋषि मुनियों का स्वाभाविक कर्म है क्या? यज्ञ करना। यज्ञ की हवन जो है कभी बंद नहीं होनी चाहिए, यज्ञ कभी बुझनी चाहिए नहीं चाहिए। और ऐसे धर्म को त्याग कर क्या किया उसने? मिट्टी डाल दी। पर तो देखिए, इस संसार में यज्ञ दो प्रकार के, एक द्रव्य यज्ञ और एक ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ बहुत ही विशाल और बहुत ही बढ़िया होता है, लेकिन उससे भी बढ़िया होता है क्या? ज्ञान यज्ञ, जिसे आज हम यहां पे कर रहे हैं, हम भक्त लोग जिसे श्रवण कर रहे हैं। बोले यदि सुत गोस्वामी महाराज आ रहे हैं सुखदेव जी गोस्वामी महाराज के मुख से भागवत कथा श्रवण करके, तो फिर इस यज्ञ को करके क्या फायदा? इसे तुरंत बंद करो। तुरंत बंद कर दिया गया महाराज। सुत गोस्वामी आए, सुत गोस्वामी को सबने प्रणाम किया, निवेदन किया, फूल माला पहनाई गई, उनकी पूजा की गई, बहुत सुंदर व्यासपीठ बनाया गया, उन्हें बिठाया गया। और यज्ञ को छोड़कर भागवत कथा सुनने के लिए बैठे। हमें इन ऋषि मुनियों के कार्य को थोड़ी सी अपने जिंदगी में धारण करना चाहिए। ऋषि मुनियों का स्वाभाविक कर्म है यज्ञ करना, लेकिन जब उन्हें पता चला कि सुत गोस्वामी महाराज आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? यज्ञ बंद कर दिए। और कहां आ गए? सुत गोस्वामी महाराज के पास ज्ञान श्रवण करने। और हमारा, हम 10 रुपए का अपना दुकान बंद नहीं कर सकते आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। ऋषि मुनियों का स्वाभाविक कर्म को त्याग दिया, ये तुम्हारा स्वाभाविक कर्म भी नहीं है। 4 बजे तो ऑफिस बंद हो जाती है, 4:30 बजे कथा श्रवण शुरू होती है। हम यहां नहीं आ सकते? नहीं आएंगे, घर पे बैठ के टीवी देखेंगे, चाय पिएंगे। भक्तों, सब कार्यों को छोड़कर यज्ञ करना चाहिए, और यज्ञ को भी छोड़कर भागवत कथा सुन लेना चाहिए, यही सबसे बड़ी बुद्धि। यदि कहीं यज्ञ हो रहा हो तो सभी कार्यों को छोड़कर उस यज्ञ में जाना चाहिए, लेकिन यदि भागवत कथा हो रही हो तो उस यज्ञ को भी छोड़कर क्या करना चाहिए? भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। ये सिद्धांत ने किन्होंने दिया? भारत के 88,000 ऋषि मुनियों ने, एक दो ऋषि मुनियों ने, कितने ऋषि मुनियों ने? 88,000। सोचिए, विचार कीजिए आप। बहुत सुंदर आसन पर बिठाया गया। कहते हैं तत्र तत्र अंजुषा आयुष्मन् भगवत् यत् विनिश्चितम् पुंसाम् एकांत श्रेया तत् न संशीतुमहर्षि। कहते हे धीमन, धीमन मतलब बुद्धिमान, हे सुत गोस्वामी जी महाराज, आपने अनेक शास्त्र पुराण वेदों का अध्ययन किया है, और इन सबों के अध्ययन के बाद जगत के जीवों के कल्याण करने के लिए आपने कौन सा उपाय सर्वश्रेष्ठ समझा है, कौन सा उपाय सोचा है, क्या करने से जगत का उद्धार हो सकता है, क्या करने से हमारे 88,000 ऋषि मुनियों का उद्धार होगा, और क्या करने से कलयुग के जीवों का उद्धार होगा?
हे धीमन, आपने अनेक शास्त्र वेद उपनिषदों का पाठ किया है, आप परम विरक्त चूड़ामणि वैया सखी राजराजेश्वरी श्री राधा रानी के प्रिय सुख सुखदेव जी गोस्वामी महाराज के शिष्य हो। महाराज, क्या करने से हमारा उद्धार होगा और कलियुग के जीवों का उद्धार? इस प्रकार से 6 प्रश्न सोनक आदि ऋषियों ने पूछा है और ये 6 प्रश्न पे पूरा भागवत। तो अब आगे चलकर शुद्ध गोस्वामी उत्तर देते हैं। कहते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के कार्य होता है और कुछ कार्य से केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं सुध गोस्वामी महाराज, कहते हैं कि संसार में अनेक कार्य हैं और कुछ कार्य से केवल उस कार्य करने वाले का उद्धार होता है, कुछ कार्य करने से उनके कुटुंब का उद्धार होता है, कुछ कार्य से उनके संबंधी उनके समाज का, परंतु केवल अपना अपने कुटुंब अपने समाज का भला हो उसे शुभ कार्य नहीं कहा जाता है। शुभ कार्य तो उसे कहा जाता है जिससे अपना भी भला हो और जगत के समस्त जीवों का भी भला हो, एक चींटी का भी, एक मनुष्य का, सबका भला हो। हे धीमन, बोले ऐसा कार्य कौन सा है जिससे सबका भला हो? सुखदेव गोस्वामी बोले, संसार में एक कार्य है जिससे संसार का भला हो और वह कार्य है, कौन सा कार्य है? भगवान श्री कृष्ण का नाम और श्री कृष्ण की कथा। एक ऐसी वस्तु है जिससे सुनने वाले का, सुनाने वाले का, सभी का उद्धार हो जाता है। जिन जिन के कान में ये कथा जा रही है, वो गाय हो, बैल हो, कूता हो, चींटी हो, मच्छर हो, जिस जिसके कर्ण में ये बात जा रही है और जिस जिस स्थान पर ये बात जा रही है, वो स्थान भी शुद्ध हो रहा है और जिन जिन जीव जंतुओं के कान में ये बात जा रही है उनका हृदय भी पवित्र हो रहा है और वो निश्चित भगवान को प्राप्त कर उनका भी उद्धार। इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद बहुत सुंदर बात कहते हैं कि प्रभु, ठाकुर भक्ति विनोद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, यदि आपको मुझे ब्रह्मा का स्थान देना हो, क्या कहते हैं कि यदि मुझे आपको ब्रह्मा का स्थान देना हो, ब्रह्मा मतलब इस संसार के सीईओ, कंपनी के सीईओ होते हैं ना, जो कंपनी का देख रेख करते हैं, अथवा मैनेजर, ठीक है, इस संसार का मैनेजर का यदि पोस्ट देना हो, आप सोचिए एक कंपनी का मैनेजर का पोस्ट मिले तो कितना गर्व की बात होती है। आई एम द मैनेजर, मैं मैनेजर हूँ इसके यहाँ का, कितना प्राउड फील होता है। लेकिन भक्ति विनोद महाराज क्या कह रहे हैं कि प्रभु, यदि आपको मुझे ब्रह्मा का स्थान देना हो और उस स्थान पर यदि आपकी कीर्तन नाम भक्ति ना हो, मुझे ब्रह्मा का भी जन्म मत देना, मुझे ब्रह्मा का स्थान स्वीकार नहीं। प्रभु, आप मुझे किसी भक्त के यहां एक चींटी बना देना जिस भक्त के मुख से मैं निरंतर आपका नाम सुनता रहूं और आपकी कथा का श्रवण करता रहूं। मुझे ब्रह्मा का पद अस्वीकार्य है यदि वहां मुझे भक्ति ना। कहा जाता है जहां महाभारत का अंत हुआ वहां से भागवत प्रारंभ हुआ। महाभारत का अंत कहां हुआ और भागवत प्रारंभ कहां से हुआ? महाभारत का अंत हुआ उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर जहां 18 दिन तक युद्ध चला पांडवों और कौरवों के बीच, मेघद्वा और सारे कौरव वीर गति को प्राप्त हुए।
सारे कौरव वीर गति को प्राप्त हुए। और उस युद्ध के अंतिम दिन भीम की गदा के गदा से दुर्योधन की जंगा टूट गई। दुर्योधन अपने अंतिम सांस गिनते हुए दुर्योधन दर्द से कराह रहा है। अंधेरी रात है और महाभारत के तीन महान योद्धा दुर्योधन की खबर लेने पहुंचे, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को बड़ा कष्ट हुआ और अपने स्वामी को, स्वामी दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए पांडवों के सर को काट कर दुर्योधन के पास लाया। दुर्योधन आश्चर्य हुआ कि अश्वत्थामा पांडवों के सर को काट दिया, बोले यह संभव है। बोले जिन पांडवों का सर भीष्म पितामह और भीष्म पितामह जैसे योद्धा नहीं काट पाए, कर्ण जैसे योद्धा नहीं काट पाए, उसका सर यह अश्वत्थामा काट दिया, असंभव। बोले वो सर मेरे हाथ में दो। सर को जैसे ही हाथ में दिया, दुर्योधन ने थोड़ा सा बल लगाया और सर वो पच पच करके चारों सर फूट गए। दुर्योधन समझ गया, बोले हो ही नहीं सकता। बोले एक बात बताओ, कृष्ण कहाँ थे? बोले क्यों, ये अश्वत्थामा जब सर लेके आए तो दुर्योधन ने पूछा, एक बात बताओ मुझे, जब तुम इनके मस्तक काट रहे थे तो कृष्ण कहाँ थे? बोले क्या बात है, क्यों तुम पूछ रहे हो ये बात को, मैं तो लेके आया हूं, देखो मेरे पास बोरी में बंधा हुआ चारों से। बोले देखो दुर्योधन, अश्वत्थामा, इस जीवन में मुझे कुछ समझ में आया या नहीं आया, परंतु एक बात समझ में आ गया है कि जहां कृष्ण है वहां पे पांडवों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कृष्ण के रहते पांडवों को कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि एक भक्त की रक्षा भगवान कैसे करते हैं, जैसे एक लोभी व्यक्ति अपने धन की रक्षा करते हैं, वैसा ही भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। एक लोभी व्यक्ति को अपना धन बहुत प्रिय होता है, वो गद्दे के नीचे छुपा देता है। माता जी फिर से आप सो रहे? सोना नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हाथ ऊपर करके बोलिए। तो जैसे एक लोभी व्यक्ति को धन प्रिय होता है, वैसे ही भगवान को अपने भक्त प्रिय होते हैं, भगवान उनकी रक्षा वैसे ही करते हैं। बोले अश्वत्थामा, कृष्ण के रहते हुए पांडवों का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो दुर्योधन की उस समय मृत्यु हो गई, क्योंकि उसे श्राप था कि जिस समय तुम्हें शोक और हर्ष एक साथ होगा उस समय तुम्हारी मृत्यु होगी। ये पता चला कि पांडवों की शोक हुआ है, पांडवों की मृत्यु हुई, इसे हर्ष हुआ। ये पता चला कि पांडवों के ये बच्चों के सर हैं, उनको अश्वत्थामा ने काटा है, तो उन्हें दुख हुआ और ये शोक और दुख के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ब्रह्मा क्षमा कीजिए, अर्जुन ने दूसरे दिन प्रतिज्ञा लिया कि मैं अश्वत्थामा को मार दूंगा। अश्वत्थामा को पकड़कर दूसरे दिन अर्जुन लाए द्रौपदी के सामने। द्रौपदी को वचन दिया था कि द्रौपदी कल तुम अपने पुत्र की अंतिम क्रिया, अंत्येष्टि क्रिया, जिसने तुम्हारे पुत्र का सर काटा है उसके सर के ऊपर पांव रखते हुए उसकी अंतिम क्रिया करोगी। दुर्योधन अश्वत्थामा को पकड़ के लाया गया। द्रौपदी स्त्री स्वभाव, शुरू से ही स्त्रियों का यह स्वभाव है दया, प्रेम, ममता, ममता उत्पन्न हुआ। बोले छोड़ दिया जाए, मारा ले जाए, ब्राह्मण है। फिर उसका उपाय निकाला, इनकी मणि को ले लिया जाए, क्योंकि एक जो ज्ञानी व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है, उन्हें अपमान कर छोड़ देना ही मृत्यु के बराबर है। अर्जुन ने मणि निकाल लिया, अश्वत्थामा परेशान हुआ, बेज्जती फील की और अश्वत्थामा चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण अर्जुनों को, पांडवों को लाकर हस्तिनापुर में विराजमान कराए। बहुत सुंदर युधिष्ठिर महाराज का राज्य तिलक हुआ।
कुछ दिन कृष्ण हस्तिनापुर में रहे और आज कृष्ण हस्तिनापुर से निकल रहे हैं। और उस समय जब भगवान निकल रहे थे, उस समय अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए, अपने 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 अपमान का बदला हेतु 6 ब्रह्मास्त्र छोड़ा। कहां? 5-5 पांडवों के ऊपर और एक देवी उत्तरा के गर्भ के ऊपर, जहां पे अभिमन्यु कांस परीक्षित महाराज पल रहे थे। कहे भगवान रथ पे आरूढ़ है, बस आदेश देना है कि स्टार्ट करो, चलो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, बस गियर लगाना बाकी है। आप समझो ड्राइवर बैठ चुका है। और उसी समय उत्तरा दौड़ती दौड़ती आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं तत्से यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि 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 माम हे कृष्ण, ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आ रही है, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान द्वारिका जाने के लिए रथ पर आरूढ़ हो चुके हैं। उसी समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़ते हुए कृष्ण जी के शरणों में आती, कहती पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति। उत्तरा कहती है कि हे जगत के ईश्वर, हे जगतपति, आप मेरी रक्षा कीजिए। पाहि पाहि मानो श्री कृष्ण कहे कि उत्तरा क्या हुआ, तुम क्यों दौड़ी दौड़ी आ रही हो। तब देवी उत्तरा कहती है कि अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, हे कृष्ण आप अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। यह सुनकर मानो भगवान श्री कृष्ण उनसे प्रश्न करें कि हे देवी उत्तरा आप मेरे पास क्यों आ रही हो, आप जो है मेरे पास क्यों आ रही हो, आप अपने ससुर लोगों के पास जाइए। ये 5 पांडव महावीर हैं, अभी अभी ताजा फ्रेश फ्रेश महाभारत का युद्ध जीत कर आए, फिर आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं, मैं क्या करूंगा है? तुम रक्षा मांगने के लिए उनके पास जाओ, मेरे पास क्यों आ रही हो। अरे मैं तो बांसुरी बजाने वाला, गाय चराने वाला एक ग्वाला हूं, मैं तो गाय बछड़े चराने वाला हूं। युद्ध करना तो तुम्हारे पांडव लोग जानते हैं, और अभी अभी कुरुक्षेत्र की भूमि पर विजय होकर आए, बिल्कुल वेल एक्सपीरियंस हैं, तो तुम पांडवों के पास जाओ, मेरे पास क्यों आ रही। युधिष्ठिर महाराज भीम नकुल सहदेव के पास जाओ, वे भी तुम्हारी रक्षा करेंगे। तब उत्तरा ने बहुत सुंदर बात बताई, हे कृष्ण, हे कृष्ण मैं मानती हूं कि ये 5 पांडव को यदि कहा जाए तो ये 1 मिनट में हजारों लोगों को मार सकते हैं। ये 5 पांडव बहुत बड़े योद्धा हैं, लेकिन कृष्ण मरे हुए को जीवित करने का काम तो एकमात्र आप ही कर सकते हो, जीवन दान तो एकमात्र आप ही दे सकते हो। न अन्यम त्वत्तव्यम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। इस संसार में लोग यत्र मृत्यु परस्परम, लोग एक दूसरे को मार सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन न अन्यम त्वत्तव्यम पश्य, लेकिन अभय कोई नहीं दे सकता, मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। हे कृष्ण एक आप ही हो जो मुझे मृत्यु से बचा सकते हो। हम रोज देखते हैं, प्रतिदिन न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल में हम रोज देखते हैं कि यहां पर कुछ लोग मारे गए, यहां पर बम विस्फोट हो गया, यहां पर कुछ लोगों ने गोली मार दी। लेकिन हमने सुना कि एक आदमी मर गया था, उसे लेकर शमशान में जा रहे थे, 2-4 लोग आए, कुछ केमिकल रिएक्शन कराया और मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दिया। आपने सुना है ऐसा, कभी कोई न्यूज में आता है ऐसा? नहीं आता। एक दूसरे को मार सकते हैं, लेकिन मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने का कार्य तो एकमात्र कौन कर सकता है, कृष्ण ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। बोले कोई उदाहरण, कोई एग्जाम्पल है ऐसा?
है, कोई उदाहरण किसको किया भगवान ने जीवित? अपने गुरु पुत्र को जीवित किया भगवान ने, जो बहुत पहले मर चुके थे। यमराज के पास गए, यमराज को बोले कि यमराज उसे छोड़ो तुम। यमराज बोले प्रभु ये आपका ही बनाया हुआ सिद्धांत है। बोले ठीक है मैं बोल रहा हूँ इसलिए मेरे गुरु पुत्र को छोड़ो। तो ये है भगवान। श्रीपाद शंकराचार्य ने भी यही कहा, संप्राप्ते सन निहिते काले न ही रक्षित दुक्रिन करने, कि मरते समय ये ज्ञान ये धन ये संपत्ति तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी। तुम्हारी रक्षा तो एक ही कर सकता है और वो है कृष्ण। इसलिए भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज संप्राप्ते शन नीते काले नाही रक्षित दुक्रिन करने, संप्राप्ते शन नीते काले नाही रक्षित दुक्रिन करने, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम। श्रीपाद शंकराचार्य ने कहा कि ये मरते समय धन ये ज्ञान तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी। क्या रक्षा करेगी? भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख, ये डुक्रिम करने क्या लगा रखा है? गोविंद गोविंद बल बोल जो तुम्हारी रक्षा करेगा, डुक्रिम करने लगा रखा। और यही हुआ, उत्तरा ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण आप मेरी रक्षा करें। कृष्ण ने एक और परीक्षा ली उत्तरा की, कहते उत्तरा तुम्हारे पति जो है वो मर चुके हैं, वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। उत्तरा तुम्हारे पति तो मर चुके हैं और जिनका पति मर चुका हो उनको जीने से क्या लाभ? जी बिन देह नदी बिनवारी त्रशहुनाथ पुरुष बिनवारी। सीता जी का उद्गार है, जैसे पानी के बिना नदी कुछ काम नहीं रहती, काम का नहीं रहती है, वैसे ही जैसे प्राण के बिना देह कुछ काम का नहीं रहता है, वैसे पति के बिना पत्नी कुछ काम की नहीं। उस पत्नी को कभी सुख नहीं मिल सकता। उत्तरा तुम्हारे पति ने इस संसार में नहीं रहे तो तुम भी मर जाओ, तुम मर जाओ, क्या प्रॉब्लम है? तुम जी के भी क्या करोगी? मर जाओ, तुम आ रहे ब्रह्मास्त्र मर जाओ, क्या दिक्कत है तुम्हें? उत्तरा ने बहुत सुंदर बात बताई कि कृष्ण मुझे मरने का कोई गम नहीं है, फिर क्यों आ रही हो मेरे पास बचाओ करने के लिए? पाई पाई जगत पते क्या जोर रही है? उत्तरा कहती है अभी द्रवती मामिश सर तप्त विभो कामम दतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम, माँ में गर्भो निपात्यता। हे प्रभु मैं मर जाऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस क्षण मर जाऊं, आप कहो मैं अपने शरीर को इस क्षण त्याग दूं,
लेकिन हे प्रभु जो बालक मेरे गर्भ में है उस बालक को एक खरोच भी नहीं आए, बस यही आपके चरणों में प्रार्थना है। तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मेरी गर्भ की रक्षा कर लीजिए। ये है आर्यव्रत की रानी, भारतवर्ष की नारी है, इसे कहते हैं। स्वयं मरने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अपने गर्भ को, अपने संतान को नहीं मरने देती है। परंतु भक्तों, समय बदल गया है, घोर कलयुग आ गया है। काम वासना से पुरुष और स्त्री संग करते हैं, और जब गर्भ में संतान होता है तो उसका गर्भपात करा देते हैं। बहुत बड़ा पाप का भागी ये बहुत बड़ा पाप है। कलयुग में आज प्रचंड मात्रा में गर्भपात हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। गर्भपात करना बहुत बड़ा पाप है। देवी उत्तरा ने हमें कहा, भले मैं मर जाऊं मुझे कोई फर्क नहीं, लेकिन आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। लेकिन आज अपनी काम वासना को नहीं संभाल सकने के कारण आज पुरुष स्त्री संग करते हैं, और जब गर्भ में बालक होते हैं तो उसे मार देते हैं। और उस समय पांडवों के ऊपर पांच ब्रह्मास्त्र हैं, एक समय पांडवों के ऊपर पांच ब्रह्मास्त्र, और एक समय ब्रह्मा के ऊपर क्षमा कीजिए उत्तरा के गर्भ के ऊपर एक ब्रह्मास्त्र, और पांडवों के ऊपर भी उसी समय तरही एवं सुत गोस्वामी कहते तरही एवं तरही आकार थे। उसी समय पांच वान पांडव पर आए, तो पांडव एकदम जान रहे थे कि ब्रह्मास्त्र आ रहे हैं। पांडव को पता नहीं था कि ब्रह्मास्त्र आ रहे हैं। वे लोग देखे कि एक ये वान आ रहा है, एक एक भाई पर एक एक वान लक्ष्य करके आ रहा था। वो पांचों अपना अपना अस्त्र उठा लिए, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है। उन्हें लगा कि वान आ रहा है, ब्रह्मास्त्र आ रहा है, और ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार किसी अन्य वान से संभव नहीं। तो भगवान उस समय अपने सुदर्शन से उनका रक्षा कर लिया। अब देखिए एक बात, पांडव भगवान को नहीं बोले कि आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो, ये पांडव बोले नहीं। ये बोले नहीं कि प्रभु बचाओ बचाओ ब्रह्मास्त्र आ रहा है। लेकिन देखिए भगवान कितने कृपालु हैं, कितना स्नेह है उनका। भगवान देखिए कि ये पांडव बहुत बड़ी विपदा में, विपदा क्या थी उनके लिए, पांडवों के लिए सबसे बड़ी विपदा क्या थी, भागवत में आया है अपरिहार विपदा थी। और वो विपदा क्या थी जिस कारण से वो अपने सुदबुद्ध खो बैठे थे, वे कृष्ण भक्ति में सराबोर थे। पांडवों का मन चित कृष्ण के अलावा कहीं नहीं था, भगवान के भावी विरह से जर्जर हो रहे थे कि भगवान जब जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी विपदा थी उनके लिए। उस दशा में भगवान ने अपने सुदर्शन से उनका रक्षा कर दिया। पांडव कोई प्रार्थना नहीं किए भगवान से रक्षा की, लेकिन भगवान इतने कृपालु कि बिना बोले हुए पांडवों की रक्षा करते। आप जरा विचार कीजिए कितना भगवान के हृदय में करुणा है, कितना स्नेह है भगवान। जैसे एक माँ कभी भी अपने छोटे बच्चे से अपेक्षा नहीं करती है कि ये मुझे पुकारेगा तब मैं इसकी रक्षा करूंगी, तब मैं इसे बचाऊंगी। एक कुत्ता एक सांप एक बालक को काटने आ रहा है, तो क्या माँ इंतजार करेगी कि मेरा बेटा बोलेगा माँ मुझे बचाओ बचाओ तब बचाएगी? माँ जाएगी झट से उस सांप को उठा के फेंक देगी, कुत्ते को मारेगी सांप को मारेगी, कभी ऐसा नहीं सोचेगी कि हमको पुकारे। तो भगवान की जो प्रेम है एक ममता एक माँ के प्रेम से, भगवान नहीं सोचे कि ये पुकारे तब मैं रक्षा करूँगा, पर भगवान तुरंत उनका रक्षा। भगवान बहुत पहले की गई थोड़ी सी भक्ति को भी याद रखते हैं, ये उनका स्वभाव है। और हमारा स्वभाव क्या है, आज किए तो याद रखेंगे, कल क्या भूल गए, सब खत्म। ये हमारी दशा है, करते रहिए सेवा,
जब तक सेवा करते रहे तब तक ठीक है, लेकिन जैसे आपसे एक चूक हुई तो जितनी सारी सेवाएं आपने की वो खत्म। लेकिन भगवान के प्रति ऐसा नहीं है। हरि बोल भाई, खत्म कर दिया। तो इस प्रकार उत्तरा देवी उत्तरा ने स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान अपने सुदर्शन और गदा चक्र लेकर उत्तरा के गर्भ में गए और उनके बालक की रक्षा कर दी। भगवान अपने भक्तों की रक्षा इस प्रकार से करते हैं, बिना बोले हुए बिना सुने हुए भगवान रक्षा कर लेते हैं। राह नहीं देखते कि ये मुझे बोलेगा तो मैं रक्षा करूंगी। जैसे ही पता चलता है कि संकट है, भगवान रक्षा कर लेते हैं। इस प्रकार देवी उत्तरा ने बहुत सुंदर स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए, रक्षा की। आज की कथा को हम यहाँ विराम देंगे। कल आने वाले दिन में बहुत सुंदर देवी कुंती के द्वारा भगवान को स्तुति, जो इस मुझे जैसे लगता है श्रीमद् भागवत का सबसे सुंदर टॉपिक, सबसे सुंदर स्तुति यदि कोई है तो वो है कुंती स्तुति। इतनी सुंदर स्तुति है, इतनी सुंदर स्तुति है, इतनी सुंदर स्तुति है। आप सोचिए कि भागवत में बहुत सारी स्तुतियां हैं, भीष्म पितामह के द्वारा स्तुति, पांडवों के द्वारा स्तुति, नाग कन्याओं, नाग पत्नियों, यज्ञ पत्नियों, बहुत स्तुति है भगवान का। लेकिन वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम किस स्तुति को रखा? देवी कुंती की स्तुति को। बहुत ही सुंदर स्तुति। तो ऐसी दिव्य स्तुति का श्रवण हम कल करेंगे। आज की कथा को हम यहाँ विराम देंगे। भागवत जी की आरती होगी, आप सब आरती लेकर ही जाइए। आरती के बाद प्रसाद की व्यवस्था है, आप प्रसाद भी लेकर जाइए। और कल सवेरे ठीक 7 बजे मंगला आरती होगा, कृपया जरूर आइए। हम जो ये कहते हैं बहुत तपस्या कर सकते हैं, आपकी तपस्या का परीक्षण इसी से होता है। क्या हम भगवान के लिए 6 बजे उठ सकते? यदि नहीं उठ सकते तो फिर भूल जाइए, ठीक है। तो बहुत सुंदर यहाँ पे कीर्तन होता है, जप होता है, हम आरती करते हैं, आप सब आरती में आइए। आरती से आरती के बाद ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री राधा माधव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आरती का प्लेट रेडी है। आरती अति पावन पुराण की, आरती आरती अति पावन पुराण की, इसे हटा दीजिए, टाइप कर दीजिए इसे, इसे इसे इसको स्टैंड हटा दीजिए। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विकलित निगम कल्प फल, सुख मुख कल्पल परमानंद सुदारसमय फल, परमानंद सुदारसमय फल, लीला रति रस रस निदान की, आरती अति पावन, आरती अति पावन, कलिमल मत निद्रिताप निवारिणी, कलिमल
मा मृत्युमय भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी सोम होषधि हरि चरित कान की आरती अति पावन आरती अति पावन विषय विलोस विमोह विनाशनी विषय विमोह विनाश विमल विराग विवेक विनाशिनी विमल भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भागवत प्रकाशी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमांस मुनि मन उल्लासिनी परमांस मुनि रशि करी दय रश राज विलासिनी रशि रश राज विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी रति प्रेम सुदासी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती आरती अति पावन पुराण की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाचना है हरे नाम में झूमना है हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सबको दे दीजिए बता दीजिए बताओ बताओ जय राधा माधव राधा माधव राधे जय कृष्ण
Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Grandraj Shrimad Bhagavat Mahapuran ki jai. Shri Radha Madhav ki jai. Shri Krishna Balaram ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande Hari Bol. Hare Krishna. तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद. आप यहाँ पे आए, विशेषकर गोपाल कृष्ण मंदिर से आए हुए हमारे गोपाल कृष्ण मंदिर के भक्तजन, आप सबों ने बहुत सुंदर से समय निकाल कर यहाँ पे आए, और सभी भक्तों का हमारा धन्यवाद. हरे कृष्ण.